हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि इसी टाइप पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों पार्ट टू वीडियो है इंग्लिश के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एकदम हिंदी याद के साथ बतलाऊंगा। दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूँ सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो बताइए जॉन डॉन इज ए डैश 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 पोएट, यानी कि जॉन डॉन थे वो दोस्तों कैसे पोएट थे? नेचुरल थे, मेटाफिजिकल थे, कैवेलियर थे कि रोमांटिक थे? बताइए, देख सकते हैं यहाँ पर 2019 के एनुअल एग्जाम, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो जॉन डॉनी जे क्या दोस्तों? बहुत ही अच्छा, मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी कि दोस्तों मेटाफिजिकल ये जो होता है दोस्तों, मेटाफिज आध्यात्मिक, ठीक है ना। जॉन डॉनी जे मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि दोस्तों जॉन डॉन आध्यात्मिक कवि थे, ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो में दोस्तों लास्ट बने रहो और आप लोग कमेंट करके बताओ कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पाते हो, और वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आंसर देते रहना। चलिए वेथमैन वाज पोएट, देखिए वेथमैन है दोस्तों कहां का पोएट है, बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। वेथमैन है दोस्तों कहां का पोएट है? इंडियन है दोस्तों, एंड इंडियन है कि एंड अमेरिकन है कि ब्रिटिश है कि नॉन ऑफ दिस, बताइए इसका सही उत्तर क्या। सभी स्टूडेंट बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है, सब लोग बताइए। कोई भी यहाँ पर फालतू का कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग कोशिश करो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहो, ओके बने रहो, और सारा क्वेश्चन एकदम यहीं से डील कर लीजिए। तो वीथमैन है दोस्तों वो एन अमेरिकन पोएट है, ठीक है ना। ये दोस्तों वीथमैन है, ठीक है ना। इसका दोस्तों जन्म 1819 ईस्वी के आसपास में हो, लेकिन इसका दोस्तों जो है दोस्तों ये एन अमेरिकन है, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि अमेरिकन पोएट है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीथमैन वाज ए पोएट एन अमेरिकन, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है। देख सकते हो यहाँ पर पूछा भी गया है, देख लीजिए, आप लोगों को दिखला देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों, जॉन डॉन इज ए पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, और इसका दोस्तों दिया गया है वीथमैन वीथमैन वाज ए अमेरिकन, ऑप्शन भी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि वीथमैन वाज बोर्न। देखिए अभी अपने को बताया दोस्तों, मेरी बातों को अगर आप गहराई से समझ रहे होंगे तो बिल्कुल बतला सकते हो, ठीक है। तो वीथमैन का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था कि 1818 में हुआ था कि 1819 1820, बतलाइए। सब लोग सही उत्तर बतलाइए, इसका सही उत्तर क्या देंगे। आशा के सब लोग यहाँ पर कमेंट करके बतलाएंगे। बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आया दोस्तों। जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर, यानी कि वीथमैन वाज बोर्न, यानी कि वीथमैन वाज बोर्न, यानी कि 1819 ईस्वी हुआ था दोस्तों, 1819 में हुआ था, क्या 1819 में हुआ था दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एकदम सारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए हु वाज द कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना दोस्तों। हु वाज द कंपोज, किसने कंपोज किया, किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया, यही आप लोगों को बतलाना है। सही उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बहुत ही अच्छा, सब लोग बतलाए दोस्तों, सब लोग देख रहे हो, बहुत ही अच्छा, सब लोग कमेंट कीजिए क्या देंगे इसका सही उत्तर। सब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलिए हु वाज द कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत ही अच्छा, WH ऑर्डर, यानी कि दोस्तों WH ऑर्डर के द्वारा लिखा गया, यानी कि हु वाज द कंपोज, यानी कि हु वाज द कंपोज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि WH ऑर्डर, यानी कि दोस्तों नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाई WH ऑर्डर। अगर आप लोगों को समझ आएगा दोस्तों तो पहले यही लिखना है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज एन रिटन बाई WH ऑर्डर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे। वॉल्ट विटमैन होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर वॉल्ट वाल्टर में तो होगा, डी एच लॉरेंस नहीं होगा, नहीं रूपर्ट ब्लॉक होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन, कहता है कि ऑर्डर वॉज एन पुलचर प्राइज इन, यानी कि दोस्तों पुलचर प्राइज WH ऑर्डर को क्या मिला, बताइए आप लोग, सब लोग बता सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सब लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे, आर्डन वाज द पुलचर प्राइज, यानी कि दोस्तों आर्डन को यहाँ पर पुलचर प्राइज क्या मिला था, चलिए बताइए 1947 की 1948 की 1949 की 1950, बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। WH वाज W, यहाँ पर दोस्तों बोला WH ऑर्डन, ठीक है ना, वॉन द प्राइज
इन 1948 दोस्तों 1948 में इनको दोस्तों प्राइज मिला था, क्या पुलचर प्राइज का, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, पुलचर प्राइज दोस्तों आर्टन को कब मिला था, तो 1948 में ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एकदम सारा क्वेश्चन एकदम याद कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर बताए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजी से झाड़ते हैं, बताइए क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, सही होते बताएं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्लो स्लो हो जाएंगे दोस्तों, सुन हो जाएंगे फास्ट, कितना तेजी से दोस्तों यहाँ पर जो कहें लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि तेजी से गिर रहा है, क्या गिर रहा है दोस्तों, तो आप लोग सभी लोग जानते हो यहाँ पर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है दोस्तों। नाउ द लीव्स यहाँ पर आप लोग शीर्षक से समझ सकते हो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग के बाद फास्ट होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होंगे, बहुत ही अच्छा, अधिकतर स्टूडेंट का सही उत्तर आता है दोस्तों, एकदम देख करके खुश होता है। आप लोग ऐसे ही रेगुलर क्लास कीजिए दोस्तों, हम आपके लिए इतना कहते हैं दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है। चलिए सेवे बॉजे, सेवे दोस्तों क्या है बताइए, सेवे क्या है, सेवे बॉजे क्या एन आर्टिस्ट है कि एन म्यूजिकियन है दोस्तों, क्या सिंगर है कि नान ऑफ दिस, बताए इसका सही उत्तर क्या होगा, सब लोग बताए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, सेवे बॉजे क्या है दोस्तों, सेवे क्या है बताए इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही अच्छा सब लोगों का जो है बहुत ही बहुत बहुत अच्छा। चलिए सेवे बॉजे एन आर्टिस्ट है क्या दोस्तों, एन आर्टिस्ट है यानी कि जो सेवी है दोस्तों, ठीक है ना, सेवी है जो एन आर्टिस्ट है, इनकी सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों, कलाकार है, ठीक है ना, सेवी क्या दोस्तों एक कलाकार है, ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कहता है कि सेवे लिव्ड इन ए, यानी कि दोस्तों सेवे था वो कहाँ रहता था बताइए, गांव में रहता था कि टाउन में रहता था कि सिटी में रहता था कि हार्वर्ड टाउन में रहता था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना दोस्तों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर देगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो सेवे लिव्ड इन यानी कि सेवे का दोस्तों था वो कहाँ बिलोंग करता था, कहाँ से दोस्तों कहाँ रहता था, तो हार्वर्ड टाउन में रहता था, ठीक है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों हार्वर्ड टाउन में सेवे था दोस्तों, ठीक है ना, आप लोग सेवे को तो जानते ही होंगे दोस्तों, गार्ड के बारे में सब लोग जानते होंगे, ठीक है, सेवे लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों ध्यान से, सेवे रीड्स एट ए यानी कि दोस्तों सेवे था वो कहाँ यहाँ पर स्कूल में कौन स्कूल में जाता था, हाई स्कूल, देखिए सेवी तो दोस्तों नाम ही सुनकर बतला सकते हो, ठीक है ना, आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ जा सकते हो यहाँ पर सेवी तो क्या होंगे, सेवे रेड्स एट ए रेड्स जो होता है दोस्तों सेवी था वो कहाँ किस स्कूल में पढ़ता था बताइए, रेड्स एट ए डैस्टर स्कूल बताइए कौन सा स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल के प्राइमरी स्कूल के मिडिल स्कूल के नाम जो देंगे, तो बताइए दोस्तों सेवी था दोस्तों वो किस क्लास में पढ़ता था, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था दोस्तों यानी कि 1 से 5 क्लास में कोई क्लास में पढ़ता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि सेवे रीड्स एट ए स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सेवे रीड्स एट ए प्राइमरी स्कूल, ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक तो बहुत लोगों का जवाब बहुत ही अच्छा रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कराया कि दौरती एल साइस वॉज बॉर्न, देखिए दौरती एल साइस का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, दौरती एल साइस वॉज बॉर्न इन, दौरती एल साइस का जन्म कब हुआ था, 1863 में, 1873, 1883 की, 1893, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, 1893 में, ठीक है, दौरती एल साइस का दोस्तों जो जन्म हुआ था 1893 में हुआ था, देखा दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ग्रामर का इंग्लिश ऑब्जेक्ट भी दिया जाएगा, ठीक है, ट्रिक के साथ दोस्तों, ठीक है ना, आप लोगों को रैटर की जरूरत नहीं पड़े दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ क्लास दूंगा, तो दौरती एल साइस वॉज बॉर्न इन 1893, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए बताइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ जॉनसन जॉनसन सन वाज यानी कि दोस्तों नेम ऑफ सन यानी कि दोस्तों जॉनसन के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों बताइए, जॉनसन, ठीक है ना दोस्तों, जॉनसन के पुत्र का नाम क्या था, जैक था, टॉम था, बेंजी था, टोनी था, बताइए इसका सही उत्तर क्या होंगे दोस्तों, सभी लोग बताइए चैट में आंसर दीजिए, एकदम गर्दा फाड़ दीजिए चैट को, एकदम सब लोग चैट में आंसर देते रहेंगे दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक बनता है, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द नेम ऑफ जॉनसन यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होंगे, जॉनसन का जो पुत्र का नाम था वो बेंजी था, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जॉनसन के पुत्र का नाम दोस्तों क्या था तो बेंजी था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, देन द नेम ऑफ जॉनसन सन यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बेंजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था 12 नंबर क्वेश्चन, द जॉनसन सन ऑफ यानी कि दोस्तों जो जॉनसन का जो पुत्र था दोस्तों बेंजी वो कैसा था,
बताइए इसका इसका सही उत्तर क्या है। इंसान दोस्तों ब्लाइंड यहाँ पर लेम यहाँ पर सिंपल बताइए इसका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे। बताइए सब लोग बताइए क्या हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा दोस्तों सिंपल था क्या द जॉनसन वाज द सन ऑफ यानी कि दोस्तों जॉनसन का था बेटा था वो सिंपल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यो दोस्तों आप लोगों को एकदम बिल्कुल दम समझ में आ रहा होगा हिंदी आज के साथ बता रहा हूँ। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का था द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेन जी यानी कि दोस्तों जो डॉक्टर थे एडवाइस करें यानी कि सलाह देने थे माता पिता को। पेरेंट्स मतलब क्या होता है दोस्तों माता पिता ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव टू बेन जी यानी कि दोस्तों बेन जी को दोस्तों जो डॉक्टर थे उनके माता पिता बेन जी के माता पिता कौन दोस्तों जॉनसन ठीक है ना। जॉनसन को दोस्तों क्या था डॉक्टर क्या सलाह दे रहे थे बताइए मेडिसिन यहाँ पर दोस्तों ट्वाइस यहाँ पर सांबर की नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों सांबर यानी कि कुछ काम करने की कैसा काम दिया तो हेल से रिलेटेड यानी कि मुर्गियों को पालने के लिए ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल पसंद है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं इसके लिए दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपके चैनल पर जाता रहेगा और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर देगा क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन रहेगा तभी आप लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है आप लोग के किसी प्रकार की समस्या तो आप लोग क्लास दोस्तों जो होता है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और 8 बजे का क्लास तो आप लोग प्लीज यार ज्वाइन कर लेना आप लोगों का क्लास दोस्तों जो है मैथ का क्लास है ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज यार ज्वाइन कर लेना 5 ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास किया हूँ ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज यार ज्वाइन कर लेना। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम।